हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पोको M2 Pro का चार्जिंग टेस्ट आफ्टर MIUI 13.0.1.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद। तो इसके अंदर जो रिजल्ट है काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग आया है, तो आपको जानने के लिए भाई वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा, और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मोर अपडेट्स वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर आप देख लो कि कितना मैंने जो है फोन को जो है डाउन किया है बैटरी। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो बैटरी वो 13% पे है। टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हो 27 जो है डिग्री यहाँ पर आपको बता रहा है। तो इसको चार्ज पे लगाते और देखते जो है 10 से 15 मिनट के अंदर ये कितना चार्ज करता है पोको M2 Pro को। टाइम यहाँ पर आप देख लो लाइव। और इसके अंदर यूज करने वाला हूँ पोको M2 Pro का ओरिजिनल चार्जर 33 वोल्ट वाला और ओरिजिनल केबल। तो यहाँ पर भाई गंदा हो चुका है, इसको थोड़ा बहुत आप इग्नोर कर देना। तो चलो फिर वीडियो को चालू करते हैं, चार्जिंग में फोन को जो है लगा देते हैं और देखते जो है कितना फास्ट जो है फोन चार्ज होता है। यहाँ पर देख लो टाइम अब 6:24 हो रहा है और अभी जो है फोन को चार्ज होने देते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद कितना जो है फोन चार्ज होता है, 13% से कितना परसेंट जो है इंक्रीज होता है। तो ऑलमोस्ट भाई जो है 6:40 हो चुका है और अभी देखते हैं कि इसके अंदर जो है फोन कितना जो बैटरी वो चार्ज हुआ है। तो अभी गाइस यहां पर आप देखो यहां पर जो फोन है वो 42% चार्ज हो चुका है यहां पर इतने मिनट के अंदर। तो 6:24 के अंदर जो हमने चार्ज लगाया था, तो लगभग 15-16 मिनट के अंदर गाइस जो है अभी 29% बैटरी चार्ज हो चुका है। यहां पर हम जो है यहां पर टेम्परेचर देखते हैं फोन जो कितना गर्म हुआ है। तो इधर देखते हैं पहले जो है 27 था, अभी 39 हो चुका है जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी जो चार्जिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा जो है फास्ट है। तो देखते हैं गाइस कितने देर में जो है फोन चार्ज होता है। और हाँ, पता कि आप लोगों में से काफी लोग जो है 1% से फोन को चार्ज लगाते हैं या फिर 0%, तो उस टाइम पे भी लगभग जो है आपको इसी तरह का फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं फोन को, उसके बाद चेक करते हैं कि कितना जो है फोन चार्ज होता है। तो यहाँ पर फोन को रखते हैं गाइस और मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर गाइस 7 बज चुका है, 7 बजे जो है फोन ऑलमोस्ट जो है चार्ज हुआ है 74%। तो ऑलमोस्ट भाई इसने जो है 36 मिनट के अंदर 61% बैटरी को चार्ज कर दिया है, जो कि भाई अगेन काफी ज्यादा फास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव। और यहाँ पर अगर मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 38 पे, यानी कि 1% जो है डाउन हुआ है इसका टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी फेक वीडियो नहीं है, आपको जो है रियल बताता हूँ, जो भी बताता हूँ अपने चैनल के अंदर। तो देखते हैं भाई फुल होने में जो है कितना देर लगाता है ये फोन। तो अभी बज चुका है लगभग जो है 7:15, यहाँ पर आप देख सकते हो, और फोन जो है चार्ज हुआ है 89%। तो यहाँ पर आप जो है लाइव रिजल्ट देख सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग पे चलते देखते यहाँ पर जो है टेम्परेचर कितना जो है इंक्रीज हुआ है इतने चार्ज होने के बाद। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है टेम्परेचर बढ़ गया हो, लेकिन चेक करते हैं कितना जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। 35 पे है, तो यहाँ पर लगभग जो है 39% पे टेम्परेचर था, यहाँ पर 35 पे आ चुका है, फोन जो है 89% चार्ज हो चुका। आप देखते हैं यहाँ पर जो है 11% चार्ज होने में कितना फोन जो है टाइम लगाता है। तो यहाँ पर 7:30 बज चुका है गाइस, और यहाँ पर फोन जो है 100% चार्ज हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसने टाइम कितना लगाया, तो लगभग जो इतने चार्जिंग टाइम लिया है गाइस वो 55 से 56 मिनट है। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा जो है फोन फास्ट चार्ज हुआ है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी काफी ज्यादा डाउन जा चुका है, 33 पे आ चुका है। पहले जो टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, उसके बाद जो है चार्ज होते होते फोन का जो टेम्परेचर वो नीचे जा रहा था और फोन जो है काफी ज्यादा फास्ट चार्ज हो रहा था। और अगर आप 0% से चार्ज तो लगभग जो है 1 घंटे 10 मिनट जो आपको लग सकता है, तो ऐसा कुछ चार्जिंग स्पीड है। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मुझे जो है थोड़ा बहुत फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है मेरे M2 Pro के अंदर, और यही सच है भाई। यहाँ पर जो है लगभग मेरे फोन के अंदर जो चार्ज होता था 12.5.6.0 अपडेट के बाद, लगभग 1 घंटे 20 से 30 मिनट जो है मेरे फोन को 0 to 100% चार्ज होने में लगता था 12.5.6.0 अपडेट में। लेकिन इस अपडेट के बाद जो है काफी ज्यादा फोन जो है फास्ट चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड अगर आप M2 Pro यूज करते हो तो भाई चार्ज करके बताओ कि आपके फोन के अंदर जो है कितना फास्ट चार्ज हो रहा है आपका फोन 13.0.1.0 आफ्टर अपडेट। और बैकअप वगैरह के अंदर भी मुझे जो कुछ भी डाउनलोड वगैरह देखने को नहीं मिला, बैकअप भी जो है काफी ज्यादा परफेक्ट एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद भी। लैगिंग वगैरह मैं आपको जो है फुल रिव्यू वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसको यूज कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी डिवाइस, और यही है मेरा प्राइमरी डिवाइस, तो इसको यूज करता हूँ। आपको जो है फुल रिव्यू काफी जल्दी मिल जाएगा। तो यही था वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में।